कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल जी हमें कॉल कर रहे हैं वैशाली से, उनसे बातचीत करते हैं। जी राहुल जी, पूछिए अपना प्रश्न। साहब नमस्कार। जी आदाब राहुल भाई, बताइए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, प्रणाम। जी आदाब आदाब, बताइए क्या सवाल है राहुल भाई। जी डॉक्टर साहब, दरअसल ऐसा है कि मैं बिहार वैशाली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरे पैर में डॉक्टर साहब पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा पेन रहता है, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा तंग रहते हैं, बेचैन रहते हैं। मैंने बहुत सारा हॉस्पिटल पार्टिसिपेट किया, बट सर इसका प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व नहीं मिला। डॉक्टर साहब कितनी उम्र है राहुल भाई? जी हमारा उम्र लगभग 25 के करीब ऑलमोस्ट होगा डॉक्टर साहब। बहुत कम उम्र है, क्या गिर गए थे आप, क्या हुआ था ऐसा? नहीं एक्चुअली क्या हुआ कि ये मतलब आज से 2-3 साल पहले एक्चुअली क्या हुआ था कि सर मेरा पैर जो था उसमें सूजन आ गया था एक्चुअली, और ये सूजन के बाद ये मतलब मैंने इस चीज को इग्नोर कर दिया, और अभी के टाइम में मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब की काफी ज्यादा एनी टाइम पेन रहता है। दवा लेता हूँ तब ठीक रहता है, दवा छोड़ देता हूँ फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक राहुल भाई, इतनी कम उम्र बच्चे ठीक भी बहुत जल्दी होते हैं, तो मैं 2 चीज़ें बताता हूँ, एक घरेलू नुस्खा अगर आप वो बना सकें, और एक दवा भी बता देता हूँ। आप ऐसे बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं जो कम उम्र होते हैं। देखिए घरेलू तौर पर अगर गौंद स्याह मिल जाए, एक काला गौंद जिसे हम गौंद स्याह कहते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है, नकली भी मिलता है, तो ये आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम आप खाएंगे तो बहुत जल्द आपका ठीक होना मुमकिन है, लेकिन ये असली लेना ज़रूरी है। या फिर आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर सुबह शाम खाएं, और ऐसे बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं। आपने सारे इलाज करा लिए और 1-2 महीने यूनानी को दें, आपका ठीक होना मुमकिन है।